नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लग गया था। सभी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने बॉलीवुड फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज की शूटिंग की अनुमति दे दी, जिसके बाद ठप पड़ चुकी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हालांकि थिएटर्स अभी भी बंद हैं, इस वजह से फिल्मों को ओटीटी का सहारा लेना पड़ रहा है। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब, अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और सुशांत सिंह की दिल बेचारा जैसी कई फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इसी बीच अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर सामने आई। दरअसल अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की फिल्म 83 थिएटर में ही रिलीज होने जा रही है। जहां सूर्यवंशी इस साल दिवाली पर रिलीज होगी, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 83 क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। बताते चलें कि इससे पहले सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी और 83 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब पीवीआर सिनेमाज की तरफ से सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद से आप देख सकते हैं ट्विटर पर रणवीर सिंह और सूर्यवंशी का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फिल्मों को रिलीज के लिए नई तारीख मिल गई है। ये खबर सुनकर ना सिर्फ उनके चाहने वालों को खुशी होगी, बल्कि देश के मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के लिए भी ये बात किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सूर्यवंशी में कटरीना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंह नजर आएंगे। वहीं कबीर सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 83 की बात करें तो ये साल 1983 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच पर बेस्ड है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है।